ये जो सफेद चादर और खाली जगह दिख रहा है ना, अभी देखने इसमें सभी नमाज पढ़ने वाले लोग भर जाएंगे, भरे हुए दिखाई देंगे। और देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये लोग, रमजान का महीना है इनका, और ये देखिए अब घर घर बुला बुला के नमाज पढ़ा रहे हैं लोग। क्या होता है कि इससे ज़्यादा ही परेशानी और ज़्यादा ही दिक्कत होता है, क्योंकि इनका लिए मस्जिद है बना हुआ, तो अपना मस्जिद में जाइए, अपना टाइम टेबल से नमाज़ पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप घर घर पे आके नमाज़ पढ़िएगा, और ऐसा करते करते आप लोग बाद में मस्जिद का डिमांड करिएगा, तो ये कहाँ का नियम होता है। और देखिए ये लोग बाद में, यही लोग आगे चल के लड़ाई दंगे में होते हैं तो पत्थर फेंकते हैं, क्योंकि पत्थर फेंकते हैं तो सबका जान मान का हानि होता है, लड़ाई झगड़ा में सबका दुख होता है। तो देखिए ये लोग घर के ही मस्जिद बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग मस्जिद में जाइए, आपका मस्जिद है अपना आसपास का, वहाँ पे सारा नमाज उमाज जो आपका करना है सब कीजिए, आपकी कोई रोक शोक नहीं है। अब यहीं पे घर में बुला बुला के नमाज़ पढ़िएगा, इकट्ठा करिएगा आदमी, तो ये कहाँ का नियम है। देख सकते हैं, बोलते कि हमें SDM से लेटर मिला हुआ है, और देखिए ये हमें लेटर दिखा रहे हैं, और देख सकते कितने जने ने ऊपर भी चले, 30 इन लोग जने, इन लोग गिनो ही नहीं सकते, उसमें कोई वो नहीं। अरे यार देखो, हमारे अपने डीजे करने चाहिए ना यार। देखो भाई, वो भाई एग्जाम में कैसे दे देगी, ले तो उसने करा को ले दिया, ले 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 कर क्यों रहे यहाँ पे? इसमें कोई उसकी वो बात है, सब अपने हैं लोग, बाहर के कोई नहीं। आईडी आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, सबका सबका सबके आधार कार्ड लेके आओ, सब यही कहें लोग, सबके आधार कार्ड लेके आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, सबके आधार कार्ड लिया, जितने बंदे हैं बाहर बंद कर लेंगे, ठीक है, इसे रख लो ना, एसडीएम में अंडा करेंगे। हमें घर में कैसे परमिशन दे रही हुई, घर में कैसे दे सकते हैं परमिशन भाई, घर में कैसे परमिशन है भाई, गवर्नमेंट की जमीन किसी रजिस्ट्री की, रमजान से होता है ना भैया, जैसे भाई तू अपने घर में कर सकते हो, मस्जिद जाओ, मस्जिद में जो मर्जी करो तुम, तुम्हें जगह 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 परमिशन देंगे, तो बस्ती मस्जिद है, बात करें बस्ती मस्जिद की, मंदिर बन रही है, बंद रही है, SDM ने क्यों मार, क्यों मारा? आधार कार्ड मंगाए बस, परमिशन सरकारी जमीन पे, और पहले तो इसमें पहले तो विवरण ही नहीं, कहाँ की जगह नमाज़ है, उसमें तो नामी नहीं है, कोई साइन मार रहा है, नामी नहीं है, कार जा रहा है, तेरा को दिखाओ, चल को दिखाते हैं भैया, कार का नहीं, भाई लेकिन इसलिए एक दो आदमी हो, चलो। तो आप लोग देखे होंगे कि इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी लोग आए और समझा रहे सबको कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, आप लोग ऐसा करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं सभी लोग समझा रहे हैं, वहाँ के लोगों को बता रहे कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा करने से दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो फिर आपस में मतभेद होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसमें देखिए समझा रहे हैं, और समझाने के बाद देखे होंगे कि इसमें भैया लोग कैसे प्यार से समझा रहे कि भाई तुम्हें जब SDM ने परमिशन दिया तो सरकारी ज़मीन पे पहली बार परमिशन देंगे क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको ये परमिशन मिल सके, मिलता है लेकिन वो अलग प्रोसेसर होता है उनका। लेकिन इसमें भैया लोग ने समझाया आपको और दिखाया कि इसमें ऐसे जगह पे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो सबको परेशानी बढ़ेगा। तो आप लोग समझ के ये कार्य सब करने से पहले 10 बार सोच समझिएगा। और देखिए इसमें वहाँ के लोगों के बीच में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता पहुँचे टाइम से, और
सबको समझाएं कि ऐसा नहीं करें। और देखिए आगे के वीडियो में आगे की बात हो रहा है इसमें, और बता रहे समझा रहे कि ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती होगा तो फिर बढ़ेगा परेशानी, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग सोच समझ के रहिए और सभी मिलजुल के अपना त्यौहार मनाइए, और देखते हैं क्या समझा रहे क्या बता रहे आगे की वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। राजनगर में लोग घर को नमाज के अदा करने का मुद्दा बना रखा है, जो मस्जिद समझ के ये लोगों का जमावड़ा कर रहा है और यहाँ पे नमाज पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि देखिए यही मकान है और इसी मकान में ये सब कार्यक्रम किया जाता है। ये सब के लिए मस्जिद के व्यवस्था जगह जगह पे मस्जिद पे जानी मस्जिद से छोड़ के और देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद में आपको दे रखा है तो आप मस्जिद अपना जाइए और ले सकते हैं। यहाँ पे मस्जिद में ना जाके और देखिए ये लोग ये देखिए घर को ही मस्जिद बना रखे हैं ये लोग, और देखिए अपने घर में ही अपना नमाज पढ़वा रहे हैं। तो ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपना मस्जिद है इनके लिए, जगह जगह पे अपना मस्जिद में जाए और नमाज पढ़े, लेकिन ये सब नहीं मान रहे। लेकिन इस समय ये देख सकते हैं मकान, ये मकान है, इसी मकान में ये हर रोज नमाज पढ़ाया जाता है। बोल रहे कि हमें परमिशन है नमाज पढ़ाने का, जब इनको लिए मस्जिद है तो मस्जिद में अपना पूरा विधि विधान जो भी होता है इनका वो करना चाहिए। देख सकते हैं सभी गांव के लोग एकत्रित हुए हैं और इनके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा होगा तो धीरे धीरे चल के ये आगे चल के बढ़ावा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि एक घर में हो रहा, कल दो घर में होगा, परसों चार घर में होगा, ऐसे करते करते ये पूरे बस्ती बच जाएगा तो फिर ये आपस में मतभेद करेंगे, मतभेद करेंगे तो ये लोग देखिए आपस के लोग यार क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जब इनको दिया गया मस्जिद तो अपना मस्जिद में जाके अपना नमाज अदा करना चाहिए, जिससे किसी को परेशानी ना हो। और जगह जगह पे घटना बहुत से हो रहा है, यही मकान है। ये आज चल के घर में नमाज पढ़ा रहे हैं, बाद में ये बोलेगा कि मुझे मस्जिद चाहिए। अब मस्जिद के लिए इनके लिए जगह कहाँ से दिया जाएगा, ये बहुत सारी बात होते हैं जिसमें बोला जाता है बताया जाता है। लेकिन जब इनका रमज़ान का समय है तो अपना मस्जिद में ही सारा कार्यक्रम करना चाहिए। देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता लोग गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो बहुत चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। देख सकते हैं ये गेट के अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा है, गेट बंद कर रखे हैं और बोल रहे कि अब तो सभी लोग के लिए नमाज इसका होना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगा कि क्या बात है भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। अपना करना है तो पूरा कार्यक्रम अपना मस्जिद में जाके क्या करो, जब मस्जिद है तो मस्जिद में जाना चाहिए। देख रहे बहुत सी बात हो रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है बोला जा रहा है कि
कि हमने परमिशन लिए हैं, बहुत सारे रंग बिरंग की बात है। बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता एकदम आए हैं और उसका बताया जा रहा है कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बंद कीजिए, अपना जगह पर दे रखा है मस्जिद तो मस्जिद में जाइए। जब सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता जुटे तब जाके ये नमाज अपना अदा करके यहाँ से सभी निकलने की कोशिश किए, तो लेकिन अभी नमाज हो ही रहा था तो इतने में प्रशासन को सूचित किया गया, तो वहाँ से प्रशासन आए और तो शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम इनका हुआ और इसके बाद इनको बताया गया कि आप लोग यहाँ से आराम से शांतिपूर्वक आगे बढ़िए। तो आप लोग देखें वीडियो में और क्या क्या कर रहे हैं लोग। थाना के पुलिस अधिकारी लोग और पहुंचे घटनास्थल पर और यहाँ पे कोई अनहोनी ना हुआ और यहाँ पे सभी को शांतिपूर्वक समझाया बुझाया, बोला चलो हटो यहाँ से आप लोग और जो जैसा काम कर रहा है उनका काम होने दिया। उसके बाद समझाया बुझाया, फिर बोला कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों को और ये सब घर में नहीं किया जाता है जो आप लोग कर रहे हैं, अपना जो भी करना है अपना मस्जिद में जाइए, वहाँ पे सारे जो भी इनका विधि विधान है वहाँ पे अपना निपटाइए करिए, इसके लिए आपको कोई रोक छोक नहीं है, घर में करिएगा नमाज उमाज तो आसपास के लोग को दिक्कत होगा तो बोलेगा ही, क्योंकि कोई भी आदमी डर जाता है जहाँ पे एक तरफा 50-60-30-40 लोग आएगा और घर में इकट्ठा कोई कार्यक्रम करेगा तो आसपास वाले के लोगों को तो मन में डर होगा ही कि ऐसा अचानक लोग आ रहे इकट्ठा हो रहे क्या बात है। तो आप लोग सोच समझ के ये सब करिए और देखिए ये मौलाना था इनका जो नमाज करा रहा था, तो इनको भी समझाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करिए आप लोग जाइए। कुछ लोगों के पास तो प्रूफ भी नहीं था इसमें, फिर भी समझा बुझा के हटाया कि चलो बात ना बिगड़े और समझाया जिसके घर में नमाज हो रहा था कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती होगा तो फिर आगे चल के कठोर कदम उठाया जाएगा आपके ऊपर। और देख सकते हैं छत पे ईंटे के जमावड़ा और अगल बगल में टीन पे पत्थर रखा हुआ, क्योंकि ये लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि थोड़ा सा भी मामला बिगड़ा और अपना छत से ईंट पत्थर मारना शुरू कर देते हैं कि जिससे कि जो शांतिपूर्वक आते हैं उनके जान मान की हानि हो जाता है। तो आप लोग देखिए और ये बात पे गौर कीजिए कि ऐसा गलती ना करें आप लोग, अपना शांतिपूर्वक जो भी आपका त्यौहार है मनाइए, इसके लिए कोई रोक छोक नहीं है आपको, और लेकिन ये गलती मत कीजिए। लेकिन इस छतों पे ईंट पत्थर देखे होंगे कि कहते कि जमावड़ा ऐसे रखा हुआ, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा अनहोनी का संकेत रहता है, क्योंकि जब भी जहाँ भी घटना हुआ है अपने देश में ये सब सोची समझी साजिश के तौर पे हुआ। देखिए पत्थर का कैसा जमावड़ा है, ये कहते हैं टीन पे रखा है, लेकिन ये नहीं, ये जब यहाँ पे घटना स्थल होता है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान करके चला जाता है। तो आप लोग ऐसा न करिए, आप लोग जो भी है अपना शांतिपूर्वक आपका त्यौहार है मना लीजिए, आपके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन ये जो आप कदम उठाते हैं ना घर में ये न करिए आप लोग। और देखिए जगह जगह पे ईंट पत्थर रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी
खतरा के संकेत होता है तो ये लोग कदम उठाने में देरी नहीं लगते हैं और कैसे क्या करके चले जाते हैं। तो शांतिपूर्वक रहिए, सोच समझ के अपना कदम उठाइए। देखिए यही मौलवी था जो इनको नमाज कराए और इनको अब प्रशासन अपने साथ बोल रहे कि जहाँ से आए हो वहाँ छोड़ के आओ इनको। और देखिए आप लोग, और आइंदा से इस घर पे नमाज होगा, यही घर है, आप लोग देख लीजिए इसी घर पे अब नमाज होगा तो लोग बख्शेगा नहीं और टाइम से सब पहुँच के इनको नमाज को हटाया बंद कराया जाएगा। तो देखिए आप लोग, और राजीव नगर केशवपुरी वार्ड नंबर 11 के ये सब कार्यक्रम चल रहा था लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगने दिया था। अब देखिए, तो ऐसा गलती ना हो तो आप लोग सोच समझ के रहिए, समझिए, मिलजुल के आपस में प्यार दुलार बांटिए। बोलते ये ईंटें कहाँ से आई, अचानक सर पे कहाँ से पड़ी, तो ये ऐसे पड़ी, ठीक है ना। तो ये है, बना वीडियो पहले इसको दिखा, फिर से पूरा देख सकते। यहीं पे नमाज पढ़ाया गया है और देखिए ये लोग, कुछ टाइम पहले इस जगह पे और हुआ था दंगा फसाद, तो उसमें छतों पे से पत्थर देखा मारा गया था। देख सकते ईंट पत्थर पूरे व्यवस्था में रखा हुआ था और देखिए छत पे भी ईंट का जमावड़ा दिखा रहा है। और बाद में कुछ ऐसा घटना होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि बोलते हैं कि हम कुछ नहीं किए, शांतिपूर्वक कर रहे थे काम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी होता है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा घटना हो जाता है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले भी एक बार घटना हो चुका है लेकिन ये लोग बार बार कर रहे हैं। जब इनके लिए मस्जिद है तो मस्जिद में जाना चाहिए, अपना वहाँ पे पूरा जो विधि विधान होता है इनका वो करना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। ऐसे करते करते क्या होता है कि बढ़ावा हो जाता है, बढ़ावा होने से फिर बाद में मतभेद पैदा होता है तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। Yeah, yeah, yeah.